हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड आ गया हूँ मैं वासी डेपो। वासी डेपो से थोड़ा सा अंदर आया हूँ मैं। एक बुकिंग है मेरा टर्मिनल 2 का, 4:45 का बुकिंग है, 4:32 हो रहा है और यहाँ आ गया हूँ। तो चलिए सफर शुरू करते हैं एकदम बूम बाम के साथ। तो एयरपोर्ट पहुंचा मैं 1 घंटे बाद। 40 किलोमीटर उलवे का एक बुकिंग लगता है 58 मिनट की ट्रिप में, जो मुझे 659 रुपया मिला। ओला द्वारा मैंने एयरपोर्ट से बुकिंग लिया। अब जो फेयर कम ही कर दिया तो क्या कर सकते हैं। ओला 12 बजे के बाद से फेयर कम करना शुरू करता है और 2 बजे के बाद हक देता है। ये हाल हो गया, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो 659 रुपया मिला है मुझे। जो किलोमीटर है वो है जीरे मेरे किलोमीटर है फ्रेंड 39 किलोमीटर। तो जस्ट पैसेंजर को ड्रॉप किया वहां पे, तो मैंने उबर का रिजर्वेशन बुकिंग लिया था, यही वाला जो मैं खड़ा हूँ। वासी से उलवे से मुझे आना था यहाँ, तो एक ना चाहते हुए उबर ने मजबूरी का फायदा उठाया। उलवे से हालांकि बुकिंग की कोई उम्मीद नहीं थी और उसी उम्मीद में फायदा उठा लिया उबर ने उसका। मुझे 14 किलोमीटर 14.5 किलोमीटर राइड का 146 रुपया ऑलमोस्ट 10 रुपए के हिसाब से दिया, उससे भी कम दिया, 9.80 रुपया समझ लो। ये देखो फ्रेंड्स 146 रुपया 15 किलोमीटर ऑलमोस्ट था। और उलवे ब्रिज पे यार लगता है एक एक्सीडेंट हुआ था, कोई बंदे को लेटाए थे, जिंदा था मर गया था मालूम नहीं, बहुत भीड़ था वहां पे। 199 रुपए फेयर हुआ था, 146 मुझे दिया, 20 मिनट लगे। मैं बोला ले लूँ, लेने में ही समझदारी है, नहीं लेता तो फिर खाली आता ही आता मैं बोला चलो ठीक है। तो ये देखिए बुकिंग फ्रेंड्स, मेरा कैश ट्रिप है अभी। मेरा ये जो रिजर्वेशन बुकिंग है 4:45 का है, 445 रुपया मुझे मिलेगा यहाँ से। यहाँ वासी से कुछ 25 किलोमीटर होगा, ये टर्मिनल 2 लेके जाऊंगा, तो ये फेयर अच्छा रहेगा। इसमें 45 रुपये टोल इंक्लूड होगा, उसके बाद 5% माइनस होगा, तो माइनस जो होने वाला है वो 25 रुपये तक माइनस भी होने वाला है। तो 45 यहाँ पे ऐड कर ले तो 475 रुपये यहाँ पे मुझे मिलेगा, 470 रुपये के आसपास। तो ये रिजर्वेशन शेड्यूल, इसके बाद मैंने शेड्यूल बना के रखा हुआ फ्रेंड, दिखाता हूँ आप लोग को। तो मेरा रिजर्वेशन जो बुकिंग है ना फ्रेंड, ये बुकिंग के बाद तो मुझे 6 बजे एक चांदीवली, यानी ड्रॉप करके T2 में चांदीवली आऊंगा, 4-5 किलोमीटर वहां से चांदीवली होगा। तो चांदीवली से फिर मैं टर्मिनल 1 लेके जाऊंगा, पैसेंजर को ड्रॉप करूंगा, 8 किलोमीटर का मुझे 350 मिलेगा। टर्मिनल 1 ड्रॉप करूंगा मैं, उसके फिर ड्रॉप करने के आधा पौना घंटा बाद मुझे धारावी से एक बुकिंग लेना है, जो कि करीब मुझे 9 किलोमीटर टर्मिनल 1 से यहाँ पे 9-10 किलोमीटर जाना पड़ सकता है। तो जाके जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद 8 किलोमीटर का एक बुकिंग दादर का मैं 321 रुपया ये ड्रॉप करूंगा। उसके बाद देखूंगा बीच में कोई बुकिंग आता है तो ये रिजर्वेशन कैंसिल कर दूंगा, वो तो समय ही बताएगा भाई आता है कि नहीं आता है। तो चलो फ्रेंड्स कस्टमर को आने का वेट करते हैं और इस रिजर्वेशन बुकिंग को फाइनल खत्म करते हैं। आज तो बाल बाल बची एक लड़की। अरे बाल बाल बची मतलब पुणे से आई थी, पटना की रहने वाली थी, यूपीएससी का एग्जाम था, राजा शिवाजी विद्यालय में एग्जाम था और उसने मैप में डाली थी राजा शिवाजी, उसने कुछ और डाली थी, आईएएस कॉलेज डाली थी, तो वो परेल हॉस्पिटल के पहले वहां का एड्रेस था। अब आजू बाजू मैं सब गाड़ी से उतर के मैं दूर दूर तक पूछ लिया, कोई कुछ नहीं बता रहा है। मैं फिर मैंने उसका फाइल लिया, क्लासरूम अटेंडेंस रूम जो बैठते होलोग्राफ जो भी भूल गया यार मैं, तो उसके बाद मैंने उसका कॉपी देखा, एड्रेस देखा, मैंने मैप में डाला राजा शिवाजी विद्यालय हिंदू कॉलोनी, तुरंत मैंने मैप पे डाला, 2 किलोमीटर था, यू टर्न लाके उसको ड्रॉप किया। 8:02 पे रिपोर्टिंग करना था लेकिन 8:04 पे उसको मैंने ड्रॉप किया, 9 बजे गेट बंद हो जाता, यूपीएससी का एग्जाम था भाई आज रविवार के दिन। तो लाया और भाई 2 किलोमीटर के लिए मैंने ऐसा गाड़ी भगाया, यकीन मानो 3 सिग्नल मैंने जम किया है, मैंने सर्कल था दादर सर्कल या किंग सर्कल, वो बीच वाला सिग्नल वो भी जम कर डाला मैंने, BST सब खड़े मैंने जम कर डाला। सुबह का टाइम था, संडे का ट्रैफिक नहीं था, मैं बोला भाई यार कितना तय, और फोन पे तो रोने जैसे हो गई थी भाई, अपने माँ से बात की रोने जैसा हो गई, तो बोली नहीं मिल रहा, बोली भैया लेके जा रहे हैं, मैं उन्होंने सर्च किया लेके जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे टाइमली। मैंने बोला पैनिक मत हो जी, मैं लेके जा रहा हूँ आपको, एकदम बेचारी रोने जैसा आ गई थी यार। टाइमली वहां पे ड्रॉप किया, एकदम खुश हो गई, बोली भैया जी पैसा ज्यादा, मैं बोला ज्यादा नहीं लेना, जितना फेयर हो रहा उतना ही चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए ठीक है। तो जितना फेयर हो रहा था उतना ही लिया मैंने, ज्यादा नहीं लिया, दे रही थी। तो फाइनली मुझे जो मिला है 10 किलोमीटर का 305 रुपया मिला है। तो मैंने वीडियो एंड कहाँ पे किया था, मैं वासी में था ना फ्रेंड, तो चलो बात वासी से। मेरा 4:45 पे जो बुकिंग था टर्मिनल 2 का, मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया था, 20 किलोमीटर ही था क्योंकि मैं इधर से घाटकोपर से होके लेके गया साकीनाका के, तो ये 475 जैसा बोला मैंने मिलेगा टोल के साथ, तो मिल गया, ज्यादा ही मिल गया।
उसके बाद वहां से मैंने बुकिंग कहाँ का था फ्रेंड, पवई चांदीवली से टर्मिनल वन का था, तो चांदीवली वहां से गया कुछ 4 किलोमीटर था, 4 या 4.5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर फिर वहां से टर्मिनल वन था, मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को, 309 किलोमीटर मिला टर्मिनल वन से, मैं 8 किलोमीटर पैसेंजर को, ये जो थी होटल, होटल पिक करने आया मैंने, धारावी का 2-3 होटल है, पर्ल होटल, गेस्ट होटल, गेस्टिन होटल, तो वहां से इनको पिक किया मैडम को, तो भाई कम से कम उसका एग्जाम मिस नहीं हुआ, लाइन में सब खड़े थे, अभी लाइन में खड़ी हो गई, और फाइनली मैंने 2-3 बार उससे रिपीट किया, आप तो कन्फर्म करो यही है कि नहीं, तो भाई उसका जो फेयर मिला है 10 किलोमीटर का 305 रुपया। इस तरह से आज काम जो हुआ ब्रांड दिखाता हूँ, 3 3 6, इसको 5 पकड़ेंगे, ऊपर मिस किए, 6 5 11 11 12, 1250 रुपए का यहाँ काम हुआ, और ओला का जो बुकिंग लाया था पहला 650 का, 12.5 13 6, 1900 रुपए का काम हो गया है, और मैं हूँ दादर में, रविवार है और बुकिंग की तो उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा फेयर मिले। ये लाइन किस चीज का है भाई, ये सीएनजी की लाइन में खड़ा हूँ, ये सीएनजी की लाइन लग रही भाई, तो फाइनली अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, लंबी चौड़ी लाइन है, तो चलो जनता ओला भी ऑन करते, कुछ बच नहीं रहा तो घर की तरफ निकलते हैं, संडे पे कहीं बुकिंग कोई मिला तो अच्छे मिले, काफी खुशी हुई भाई उसको ड्रॉप करके, मेरे जान में जान आया जब मैंने उससे पूछा मैम एग्जाम किसका है, बोली यूपीएससी का, अरे मेरी भी फटी रह गई भाई, मैं बोला अरे भाई दोस्तों फाइनली घर आ गया, दादर में था पर वो लड़की को ड्रॉप किया मैंने, उसके बाद जो बुकिंग बज रहा है वही 10 रुपया, और मेरे को तो कम फेयर में जमता ही नहीं, सीधा आके घर खड़ी कर देती है, मतलब रविवार ऐसे ही बजने वाला, चिंदी फेयर बजने वाला, ओला एक भी नहीं बजा, जो भी बजा उबर एकदम बेकार बजा भाई बेकार, चुपचाप घर पे आ गया, और जो टोटल काम किया है मैंने आप लोग को बताई दिया था कितना किया था, 1850-1900 जो भी किया था, गाड़ी जो चलाया है 130 किलोमीटर मैंने गड़ाया है, 130 किलोमीटर गाड़ी में जो सीएनजी गई है 400 रुपए की गई है फ्रेंड, 400 की सीएनजी में 18-19 का काम बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, तुम्हारे भाई का ईएमआई वगैरह नहीं है इसलिए खुश है, अगर जो भाई का अगर 1800 का आप काम करते हो 400 की सीएनजी में, तो भाई 200 मेंटेनेंस 500 रुपया ईएमआई का निकालने के बाद, आपको सब कुछ निकालने के बाद बात आपके हाथ में आएगा 1000 रुपया, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर ओला उबर में आप काम करते हो, अगर आपको पैसा कमाना है, आपकी गाड़ी ईएमआई पे है, तो आप भाई कैसे भी कैसे करके एक सीएनजी में 600 के सीएनजी में आपको 2200 का काम करना ही पड़ेगा, तभी आप जाके कुछ कमा पाओगे, नहीं तो फिर व्यर्थ है आपका कमाना और ओला उबर में काम करना।